अंदर से निकल भी नहीं रहा, बताओ। मस्त लग रही है बहुत ज्यादा। पूछती हूँ मेरे घर पे वो लोग क्या क्या खा रहे हैं। अब खाना क्यों नहीं खा रहे हो, कभी और रख लेते। मैं थोड़ी खाने की तैयारी करती हूँ। ये कहाँ से मिला आपको? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज कंचन। आज करवा चौथ का मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन है। सारा कुछ हो चुका है, मुझे लगवानी है मेहंदी। मेहंदी का मैंने सोचा था कि रात में लगाऊंगी, खाना पीना बना के खा पी करके लगाऊंगी आराम से। तो खाना पीना बना लिया और मैंने खा भी लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने आज भी कुछ नहीं खाया था। तो अभी जो हमारे अपार्टमेंट में नीचे रहती हैं दो तीन लड़कियाँ रहती हैं, मतलब लड़कियाँ नहीं फैमिली रहती हैं, तो उनसे मैंने पूछा आपको मेहंदी लगानी आती है? तो उन्होंने बोला आती है। तो अब मैं लगवाऊंगी उनसे मेहंदी क्योंकि मुझे तो आती नहीं है। ये मेरा पहला करवा चौथ होने वाला है और अकेले होने वाला है, घर वालों से एकदम अलग। और जो आउटफिट होने वाला है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी क्या मैं पहनने वाली हूँ करवा चौथ के दिन। एकदम सिंपल है सब कुछ, जैसा होना चाहिए फर्स्ट करवा चौथ के दिन, वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ भी मैं माइंड सेट था ही नहीं मेरा, मेरे दिमाग से हट गया था कि 13 तारीख को करवा चौथ है। कुछ दो चार दिन पहले ही मुझे पता चला, तो उसमें शॉर्ट नोटिस में कुछ नहीं हो पाया। तो जो है यही है, कल देखने को मिलेगा आपको। मेरी मेहंदी लग चुकी है और ये जो टेक है मैं तीसरी बार ले रही हूँ बोले क्योंकि ये बटन में क्लिक ही नहीं कर रहे यार। ओ मेरा मुंह अंदर से निकल भी नहीं रहा, बताओ। तो अब मैं ना खीर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सुबह खीर खाऊंगी और जो वो होता है क्या सूजी का चिल्ला बनाते हैं वो बनाऊंगी। बस मैंने मेहंदी उतार ली है और इतना कलर आ चुका है। ये बोले थे मत उतारो आएगा नहीं, बट पूरी सुबह तक तो ये काली हो जाएगी। ये मेरा सूजी का बैटर रेडी है जो मैं सुबह बनाने वाली हूँ और ये मेरे खीर के चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं। मेरी खीर रेडी हो चुकी है, आ जाओ सब खाने के लिए। मस्त लग रही है बहुत ज़्यादा, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में तो सुबह ही पता चलेगा। अब मैं मिलूंगी आपसे सुबह। बाय बाय, गुड नाइट। द नेक्स्ट डे, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई थी 4:15 के अराउंड। मम्मी ने कॉल किया था, फिर सुनीता जी का भी कॉल आ गया था। तो अभी मैंने ब्रश वश सब कर लिया, फ्रेश हो गई हूँ। सोची थी नहाऊंगी, फिर सबने बोला अभी मत नहा, खा के सो जाना फिर बाद में जब उठेगी फिर नहा लेना। पूछती हूँ मेरे घर पे वो लोग क्या क्या खा रहे हैं। अगर चाय पियेंगे ना, चाय कॉफ़ी कुछ तो मैं चाय कॉफ़ी पी सकती हूँ। कोकोनट वाटर लेकर आए थे, पूछती हूँ कोकोनट वाटर पी सकते हैं तो वही पी लूँगी, अदरवाइज़ तो फिर कॉफ़ी पीऊँगी। तो मैंने पूछा घर में, सब बोल रहे कि पानी तो पी सकते हैं अभी, खाना भी खा सकते हैं आराम से। तो बाकी खीर, एक केला, पानी सब पी लेती हूँ। और बोले नमकीन में कुछ खा लेना, तो अभी चिल्ला खाने का ट्राई कर रही हूँ, बन गया अच्छे से तो खा लूँगी, अदरवाइज़ ठीक है जो है वो ठीक है। मैं बना रही हूँ ये सूजी का चीला जो रात को मैंने किया था, इसमें मैंने हरी मिर्च और नमक ऐड कर दिया है बस। ये हो चुकी है मेरी थाली रेडी, ये मेरी खीर है, ये मेरे छोटे छोटे दो मैंने चीले बनाए हैं, और ये केला हो गया, ये पानी हो गया और ये नारियल पानी हो गया। सब में सबसे बेस्ट ये है। मेरा पेट पूरा भर चुका है, मैं से केला भी नहीं खाया जाएगा लग रहा है मुझे। नहीं लगी भूख, शगुन के लिए खाते हैं वैसे भी, मैंने शगुन के लिए खा लिया है। तो सब तो बोल रहे हैं सो जाना। अभी मुझे एक वीडियो एडिट करनी है जो मैं आज मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगी। थोड़ी बहुत बची है लेफ्ट ओवर, वो एडिट करूँगी, नींद आएगी तो सो जाऊँगी। उनके बाल के सवाल, तो मैं हो गई हूँ नहा धो कर के फिट। अभी बज रहे हैं बहुत लेट हो गई है, 11:30 बजी। अभी मुझे मंदिर बनाना है और ये ना खाना नहीं खा रहे हैं, पता है? अब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं आज मिर्चीला फास्ट है। देखो अब क्यों नहीं खा रहे खाना? मैं देखता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। भूखा क्यों रहना है आपने? मैं देखना चाहता हूँ अपने आप की कैपेसिटी, कितना भूखा रह सकता हूँ मैं। कभी और रख लेते, आज क्यों रख रहे? आज मैं तुम भूखी रह रही तो मैं देखना चाहता हूँ भूखा रख के कैसा लगता है। अच्छा अब मुझे भूख लगी है, खाना बनाऊं? कब से मैं दिमाग खराब कर दिया, क्या बनाऊं करके मैं दिमाग खराब कर दिया है। कुछ नहीं बनाना, पता है आप फ्रूट्स खा सकते हो। पर मैं नहीं खाता था, मैं ऐसे मैं क्या आज निजिला पा मुझे हंसी आ रही है इनका मुंह देख के
वापस बोलो निर्जला फास्ट। निर्जला फास्ट अभी ऐसे इतने अच्छे से बोल रहे हो। निर्जला फास्ट, निर्जला फास्ट तो देखती हूँ मैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा रेडी हो चुकी हूँ, बस अभी मंदिर बनाऊँगी। बनाना क्या मतलब माता जी को स्थापना करते हैं जो, वो रखूँगी। तो इसलिए मैं सूट वूट पहन लिया है और चूड़ी भी डाल ली है, पायल भी पहन लिए है। पता है क्या, मेरे सारे जो अच्छे अच्छे जो थे सारे के सारे ज्वेलरी, वो सब मैं घर ही रख के आ गई। वैसे यहाँ था नहीं ज़्यादा कुछ, बट पायल बिछुए वगैरह जो भी था वो रख के आ गई। मैं दिमाग से स्किप हो गया बीच में करवा चौथ है, तो सोचा कि दिवाली में घर जाएंगे। और अभी के दिवाली का प्लान भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, डाइसी की जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये मेरा स्टडी टेबल, इसमें मैं करूँगी माता का स्थापना, इसमें करूँगी। मैंने सेटअप कर दिया मंदिर का, मम्मी से बात की तो मम्मी बोली कि अभी पूजा नहीं करते हैं, पूजा शाम को ही करते हैं एक बार ही, हमारे वहाँ तो ऐसे करते हैं शाम को। तो अभी मैंने कर दिया, मैं पूजा भी करने वाली थी, बट मम्मी ने बोला कि अभी जो नॉर्मल मंदिर है उसमें कर ले, बाद में करना माता की पूजा, बाद में करते हैं। तो सेटअप कर दिया है सब कुछ। और इसमें ना वो क्या बोलते हैं उसको, अनाज रखते हैं कोई सा, गेहूँ और क्या बोलते हैं, गेहूँ और चावल, चावल तो गेहूँ तो मिलेगा तो हमने चावल डाल दिए इसमें। और फिर वो जो कलश होता है पानी वाला, उसमें पानी भर के रखना होता है, वो मैं शाम को जब पूजा करूँगी तभी रखूँगी। और गेहूँ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ना पता है वो गेहूँ हाथ में लेकर के पूजा करते हैं, गेहूँ तो ऊपर पड़ा है ना, गेहूँ बोला ठीक है। तो गेहूँ भी हो जाएगा शाम तक, तो गेहूँ ले लूँगी मैं, थोड़े से गेहूँ भी ऐड कर दूँगी उसमें। कैसा लग रहा है? इन्होंने भी रख रखा है पता है, गुस्सा आ रहा है, आपने सुबह क्यों नहीं खाया? अभी 2:30 बज चुके हैं, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी ना प्यास लगी है। और मुझे सर की टेंशन हो रही है, एक तो वो ड्यूटी पे गए हुए हैं, और कुछ मैं तो सुबह उठ के पानी भी पिया था, थोड़ा नारियल पानी पिया था, थोड़ी सी खीर खाई थी, वो सब कुछ खाया था। मुझे लगा ही नहीं था वो सीरियसली बोल रहे हैं कि वो व्रत रखेंगे, और उन्होंने सच में व्रत रखा है। उन्होंने कुछ खाया नहीं, रात से नहीं खाया, रात को लास्ट उन्होंने खाया था आई थिंक 9 बजे खाया था, 9 बजे के बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे तो उनकी टेंशन हो रही है ज़्यादा। मैंने रखे हैं वैसे फ्रूट्स, तो मैंने बोला कि मैं भी खाऊंगी दिन में, तो आप भी खा लेना। मैं तो देखती हूँ नहीं, मतलब मुझे भूख नहीं लगी, अनबियरेबल हो गया, तो मैं देखती हूँ कुछ खाऊंगी फ्रूट्स वगैरह, और नहीं हुआ तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। फ़िलहाल तो मुझे उनकी टेंशन हो रही है। अरे यार, फिर मुझे बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आया। मैंने बोला आप मेरे लिए फास्ट रख रहे हो, इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। मैंने बोला था अपना आउटफिट दिखाऊंगी, दिखाना तो भूल गई। तो ये है ब्लाउज और ये है साड़ी, फुल आउटफिट मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा दूँगी। ये जो ब्लाउज है ना, ये मेरे अपने भैया के रिसेप्शन में पहना था, पूरा ग्रीन साड़ी है, बट इसके साथ जो ये साड़ी है इसके साथ कोई ब्लाउज नहीं था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए ब्लाउज स्टिच करवा लूँ, तो ये इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसी के हिसाब से चूड़ियाँ भी पहन ली और ईयरिंग्स भी पहन, बहुत सिंपल है फर्स्ट करवा चौथ के अकॉर्डिंग, बट अभी मैं इतना ही कर सकती थी। अभी मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बाकी मेकअप और बाल वगैरह जो भी हेयर स्टाइल वगैरह है वो मैं जब चांद आ जाएगा तब करूँगी, और अभी सर भी नहीं आए हैं तो अभी मैं फ़िलहाल पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने जब घर बात करी तो उन्होंने बोला कि सूरज ढलने से पहले पूजा करनी होती है, अभी तो वैसे 5:30 हुआ है अराउंड, तो अभी सूरज तो है, बट अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ पूजा की, ढलने से पहले मेरी पूजा भी हो जाएगी। दीदी लोग चले गए पूजा करने के लिए और सुनीता जी वगैरह सब कर रहे हैं, और मैं बुला रही थी जिसने मेरी मेहंदी लगाई थी कल, उसको ही बुलाऊंगी, वही मेरी कथा पड़ेगी और मैं पूजा करूंगी। सो वो आ गई है, हेलो बोलना, हेलो बोलो। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कथा, ठीक है? कथा वगैरह मैंने पढ़ ली है, आरती कर ली है, जितना मुझे आता था उतना मैंने कर लिया है, थोड़ा बहुत घर वालों से पूछ के। सर ने भी व्रत रखा है, जब वो आएंगे तो एक बार उनके साथ थोड़ी पूजा कर लूँगी। बस अब मैं थोड़ी खाने की तैयारी करती हूँ, साड़ी वगैरह चेंज करती हूँ,
क्योंकि इसमें तो मैं नहीं बना पाऊंगी और जल्दीबाजी में पहना है मैंने सब, अच्छे से रेडी होंगी खाना बनाने के बाद। मैंने चेंज कर लिया एकदम कंफर्टेबल आउटफिट में, टी शर्ट्स में, और खाने के लिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, पनीर भुर्जी, भुर्जी थोड़ी सी पूड़ी, रोटी दो लोगों के लायक थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा हलवा, और खीर मैंने बनाई थी कल तो फ्रिज में रखी है, वही खा लेंगे बस। रोल बनाती हूँ। ये देखो कौन आया है, आपको भूख लगी है ना बहुत जोर से। एक दिन तो दो दिन तो रह सकता है ना। किसके लिए? तुमको बड़ा मजा आ रहा है? मुझे तो अच्छे लगेगा ना यार। आपने आपने मेरे को सरप्राइज दिया पता है। गिफ्ट नहीं है ना, ऐसे को गिफ्ट समझ लेना। हाँ मिर्जा, मुझे कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है, आप हो मेरे साथ। पहले बताया नहीं करो चौथ गिफ्ट, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने तो आपको बाद में भी नहीं बताया आप करो चौथ में गिफ्ट चाहिए। क्या गिफ्ट दूँ, मेरा तो यही मोटा कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं, तो हो गया है दोनों खाना, मतलब दोनों सब्जी बन चुकी है। अब थोड़ा हलवा बनाना है, थोड़ा सा बनाऊंगी। मेरे को पकाते पकाते मुझे ऐसा लगे मेरा पेट भर चुका है। मैं बना देता हूँ हलवा। हलवा बनाओगे? मैं बना दूंगी, छोड़ो। अरे मैं बना दूंगा, वैसे ये टेस्टी बनाते हैं हलवा। सारा खाना बन चुका है, हमने आलू की सब्जी इसमें शिफ्ट कर दी क्योंकि बर्तन की कमी हो गई थी। इसमें हलवा बना दिया है, वो तेल पूड़ी के लिए रखा तल के, आई मीन वो तेल पूड़ी वाला है जिसमें पूड़ी तल दी है, रोटी और पूड़ी उसमें रखी है। तो चांद आ गया है और हम रेडी हैं जाने के लिए। छोटा लग रहा है ना? छोटे कहाँ लग रहे हो यार, मैंने हील्स पहनी हुई है ना, साड़ी में बिना हील्स के तो मेरे से तो होगा नहीं, साड़ी फिट ही नहीं आएगी मेरे को अगर मैंने हील्स नहीं पहनी तो। तो हम रेडी हो गए हैं, अभी जा रहे हैं छत पे लाइट का इंतजाम करने, क्योंकि छत पे लाइट नहीं है। चांद आ गया है, बाप रे इतनी ऊँची सीढ़ियाँ चढ़ के आएगी ना मैं। तो हम आ गए हैं पूजा वगैरह करके, आपने देख लिया होगा सक्सेसफुली हमारा व्रत खुल चुका है। बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी, मुझे भूख नहीं लगी थी, मुझे प्यास लगी थी, और अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं लोटा भर के पानी पी लिया। और इन्होंने अभी फास्ट कहता है यार अभी खिल गए पता है। मुझे क्यों बुरा लगेगा यार, छोटा सा गिफ्ट लाया गाड़ी में, छोटा छोटा सा ही है। कितना बुरा हो, मैं लेके आता हूँ ना। अरे यार लेके आया मैं क्या कि छोटा सा क्या है ये, एनिवर्सरी नहीं है, करवा चौथ तो आपने भी रखा था, मैं तो कुछ नहीं लाई आपके लिए यार। लो मैं लाया तो। अरे यार ये क्या है, पर मैं तो कुछ भी नहीं लाई, आपने तो पास रखा था। कोई बात नहीं, दिस इज नॉट फेयर ना। पता नहीं तुमको पसंद भी आएगा कि नहीं आएगा। क्या? नहीं आएगा, मुझे भी लग रहा। So cute. अच्छा है? हाँ। पसंद है, खाओ मेरी कसम। आपकी कसम। चलो। So cute है। मुझे पता था यही चाहिए था तुमको। I love you यार। मैं क्या सब हैंडी बैग के पीछे लटकाना नहीं है। कुत्ते चॉकलेट भी लाया मैंने, कहा चॉकलेट लाओगे। छोटा सा गिफ्ट, कितना अच्छा गिफ्ट है यार। ये क्या है? ये चॉकलेट है। अच्छा है, ऑफ कोर्स। मैंने कहा अभी काम आ जाएंगे तुम्हारे। वाह यार, ये कब लेकर आए आप? सुबह लेके आया। और भी कुछ है इसमें? Wow.
कहीं से मिला, लेके आया ना तुम्हारे लिए। अच्छा है? Seriously? अच्छा है? Awesome यार, quality कितनी मस्त है इसकी। Okay. Wow यार, ये तो मेरी window से कितना अच्छा लगेगा यार। Baby यार आपने कुछ नहीं लाया यार। कोई बात नहीं मेरी जान। कुछ नहीं लाया यार, सारा कुछ ले आया मेरे लिए। तो सारा खाती थी। कितना अच्छा है वो, कैसे मिला यार? Wow यार, मेरे सर दर्द हो गया मुझे इतने अच्छे अच्छे इतने यूजफुल गिफ्ट दिए ना इन्होंने, और आप बोल रहे हैं मुझे कि तुम इतना छोटे छोटे गिफ्ट क्यों दिखा रही हो। ये ओ, मुझे चाहिए था पता यार। और ये देखो सर्दी के लिए मजा आ गया यार। और पता है इन्होंने मेरे फास्ट लगा था, मैं कुछ नहीं लेकर आई आपके लिए, मैं आपके लिए भी कुछ खरीदूंगी। ऐसा थोड़ी होता है कि वाइफ को ही देते हैं गिफ्ट, वाइफ भी गिफ्ट कर सकती है हस्बैंड को। मेरे सर दर्द हो जाता है, ज्यादा खुश हो जाती हूँ तो मैं। तो हमने चेंज कर लिया है दोनों ने, अब हम खाना खा रहे हैं। तो भूख लगी है वैसे, मेरे को तो मेरी भूख खत्म हो गई, मुझे टच गिफ्ट मिला है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे करवा चौथ का ब्लॉग देख लिया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।